All shipping stocks as well are buzzing this morning. Remember, we have CNBC Awaaz, in fact, is reporting that the government is considering divesting its stake in SCI. Lakshman Roy joins in with all those details. Lakshman. देखिए यहाँ पर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीति आयोग ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की सिफारिश की है और तीन चरणों में सिफारिश की है कम करने के लिए। पहले चरण में ये कहा गया है कि सबसे पहले सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी 26% हिस्सेदारी बेच दे। 26% हिस्सेदारी बेचने के बाद यहाँ पर करीब यहाँ 37% हिस्सेदारी सरकार की बची रहेगी। एक बार आपने पहला चरण पूरा कर लिया 26% हिस्सेदारी एक मुश्त बेच करके, तो दूसरे चरण में आप मैनेजमेंट कंट्रोल को ट्रांसफर कर दीजिए, यानी उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल सरकार अपने पास ना रखे, निजी कंपनियों के हाथ में सौंप दे। और फिर तीसरे चरण में सरकार ऐसा करे कि धीरे धीरे करके शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में छोटे छोटे किस्तों में हिस्सेदारी बेचना शुरू करे और वो हिस्सेदारी तब तक बेचते रहे जब तक कि सरकार की हिस्सेदारी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में घट करके 25% नहीं रह जाती है। और ये जो तीसरा चरण है इसके लिए एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि 12 महीने में आप जो है मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करने के बाद 12 महीने के भीतर आप अपनी हिस्सेदारी घटा करके 25% रख दीजिए। अब नीति आयोग की सिफारिश के ऊपर 2 जून को एक अहम बैठक हुई थी सचिवों के समूह की। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुआ और फिर इसके बाद शिपिंग मंत्रालय से कहा गया कि आप इस प्रस्ताव के कानूनी पहलुओं की समीक्षा करिए, उसके बाद हमें बताइए कि इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। उसके कमेंट आने के बाद सरकार जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजेगी। ओके, थैंक यू।